सात राज्यों के वोटरों को सीएम साध चुके हैं, तो उनकी सबसे ज्यादा डिमांड यूपी और बिहार में है। क्या है वजह, इस रिपोर्ट में देखिए। और अभी तक के जो रुझान आए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। 24 के रण में सीएम मोहन यादव ताबड़तोड़ प्रचार करते नजर आ रहे हैं। यूपी से लेकर दिल्ली तक, बिहार से लेकर हरियाणा तक सीएम प्रचार करते देखे जा रहे हैं। एक दिन में सीएम मोहन यादव तीन तीन रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और जनता को साधते देखे जा रहे हैं। बुधवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यूपी के जौनपुर, कुशीनगर और महाराजगंज में प्रचार किया है। सीएम ने यहां पर विरोधी दलों पर जमकर निशाना साधा है, क्योंकि कांग्रेस ने जो गलती की अतीत में, अभी कांग्रेस के जो साहिबजादे हैं उनकी पांचवी पीढ़ी के पहले परनाना नेहरू जी ने गलती की। इस देश के अंदर 1,00,000 किलोमीटर से ज्यादा जमीन आज भी चाइना के पास है। ये पाप अगर किसी के माथे है तो ये कांग्रेस के सिर पे लगा हुआ पाप है। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी सीएम मोहन यादव ने जोर शोर से प्रचार कर विपक्ष को जमकर घेरा है। सीएम प्रचार के दौरान बिना कोई लाग लपेट के विपक्ष पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। उनके बयानों और सवालों के आगे कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन के नेता भी बौने साबित हो रहे हैं। उन्होंने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर आक्रामक प्रहार किया है। करे मूछ वाला, पकड़ाए टोपी वाला, ये कैसे हो सकता है? ये गलती केजरीवाल की, और आप क्यों माफी मांग रहे हो? अरे भाई, आपको मालूम है जिस रास्ते गया उस रास्ते से ठीक करने का काम करेंगे सारे लोग। प्रचार के दौरान न केवल अरविंद केजरीवाल बल्कि विपक्षी गठबंधन के साथ साथ कांग्रेस को भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव सीधा ललकारते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस हमेशा से ये गलतियां करती रही है, अतीत के काल में भी देश आजाद हो गया लेकिन अंग्रेज चले गए, कांग्रेस छोड़ गए, इसलिए कांग्रेस वो पूछे जो सीधी नहीं होती है, जब भी होती है कौन सा जानवर है जिसकी अपन भोगली में पूछ रखे और वो सीधी नहीं होती है। दरअसल सीएम मोहन यादव बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। चौथे चरण में 7 मई के बाद मध्य प्रदेश में जब से चुनाव निपटा है, सीएम दूसरे राज्यों में जमकर मेहनत करते देखे जा रहे हैं, जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। 7 राज्यों में सीएम प्रचार कर चुके हैं, 15 से अधिक चुनावी रैलियां और रोड शो कर चुके हैं। दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार में भी प्रचार किया है। तो 6वें और 7वें चरण के चुनाव के लिए भी सीएम मोहन यादव की डिमांड खत्म नहीं हो रही है। उनकी सबसे ज्यादा डिमांड यूपी और बिहार में है। हालांकि अभी भी कई राज्यों में सीएम की सभाएं और रैलियां प्रस्तावित हैं। यूपी बिहार के यादव वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी की ओर से सीएम मोहन यादव को कमान सौंपी गई है। दरअसल इसकी वजह है, यूपी में करीब 10% यादव वोटर है, 25 सीटों पर निर्णायक भूमिका में यादव वोटर है। बिहार में यादव समाज की आबादी करीब 15% है, बिहार की 40 सीटों पर यादवों का असर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी में पिछड़े वर्ग की राजनीति के नए नेतृत्व के तौर पर उभर रहे हैं। ओबीसी की राजनीति पर बीजेपी आगे बढ़ रही है तो सीएम मोहन यादव देश में ओबीसी वर्ग के एक सर्वमान्य नेता साबित हो चुके हैं। यही वजह है कि पार्टी ने सीएम को यादव वोटरों को साधने की कमान दी है। बीजेपी द्वारा हाल ही में संपन्न हुए मध्य प्रदेश के असेंबली इलेक्शंस में जीत के बाद डॉक्टर मोहन यादव को सीएम के रूप में चुनना उसका एक स्ट्रेटजिक कदम माना जा सकता है, जिसमें उसने न केवल ओबीसी वर्ग बल्कि यादव कम्युनिटी को अपनी तरफ आकर्षित करने का एक बड़ा स्टेप चला है कि जिन पार्टीज, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, जिनका आधार यादव वोटर्स माना जाता है, उसको एक बड़ा झटका देने की तरफ भारतीय जनता पार्टी जा रही है। इसीलिए कहीं ना कहीं इन लोकसभा चुनाव में मोहन यादव की जबरदस्त कैंपेनिंग इन राज्यों में चल रही है।
सीएम मोहन यादव बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश में मिशन 29 के साथ साथ वे बीजेपी के 400 पार के नारे को साकार करने के लिए पसीना बहा रहे हैं। यूपी, बिहार, झारखंड और दिल्ली में भी बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में सीएम ने जोर शोर के साथ चुनाव प्रचार किया है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मतदान खत्म होने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार यूपी और बिहार के दौरे पर जा रहे हैं। बीजेपी डॉक्टर मोहन यादव के जरिए दोनों ही राज्यों के यादव समाज वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। हालांकि देखना होगा कि डॉक्टर यादव की लोकप्रियता इन दोनों राज्यों में कितनी काम आती है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीलम गुर्वे, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इंदौर में कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद भी